इंसान के शरीर में होती हैं कुल 7 तरह की आत्माएं। जानिए कौन सी आत्मा है आपके अंदर। जीवन में हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। दुनिया में अरबों इंसान हैं और सभी के चेहरे एक दूसरे से अलग हैं। कुछ ही लोग हैं जो एक दूसरे से हूबहू मिलते हैं। हर दिन हम कई लोगों को देखते हैं, उनमें से कुछ के ही चेहरे हमें याद रह जाते हैं, ज्यादातर को हम भूल ही जाते हैं। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं यह सिलसिला शुरू हो जाता है और जब तक बाहर रहते हैं यह चलता ही रहता है। हर रोज देखने को मिलते हैं हजारों चेहरे। भले ही हमें दिन भर में हजारों चेहरे देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आत्माओं की बात की जाए तो आत्माएं केवल 7 प्रकार की होती हैं। जी हाँ, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, यह हम नहीं बल्कि जानकारों का कहना है। जानकारों के अनुसार संत, पुजारी, राजा, योद्धा, विद्वान, सेवक और शिल्पकार, ये 7 तरह की आत्माएं होती हैं। इनमें से आपके अंदर कौन सी आत्मा वास करती है इसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। आपके अंदर कौन से आत्मा है जाने। ऐसे दश सेवक जो लोग अपना पूरा जीवन मानवता की भलाई के लिए लगा देते हैं, जिनके लिए दूसरों का दुख दर्द अपना होता है, ऐसे लोगों की आत्मा को सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में रखा जाता है। अगर चेहरे मोहरे की बात करें तो इन लोगों का सर गोल होता है और आंखें छोटी होती हैं। इनके चेहरे पर एक बच्चे की तरह मासूमियत होती है। ये लोग पूरी तरह ईमानदार, समर्पित, सबका ध्यान रखने वाले और अपने परिवार के लिए ही जीने वाले होते हैं। इनका चेहरा देखकर कोई भी इनकी परेशानियों का अंदाजा लगा सकता है। दैश शिल्पकार, ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के अंदर शिल्पकार की आत्मा होती है उनके चेहरे का आकार कप या हृदय की भांति होता है। इन लोगों की आंखों में कई सपने होते हैं। ये लोग अपने मन की आवाज को सुनते हैं और वही करते हैं। इनके चेहरे पर एक अजीब तरह की शांति होती है और इनकी कल्पना शक्ति बहुत ही लाजवाब होती है। दैश योद्धा, जिस व्यक्ति के अंदर एक योद्धा की आत्मा होती है उनकी त्वचा बहुत ही सख्त होती है। इन लोगों के चेहरे का हाव भाव बहुत ही कठोर होता है। इन्हें देखने के बाद कोई भी इनसे पंगा लेने के बारे में सोचता भी नहीं है। ऐसे लोग समर्पित, दृढ़ निश्चय वाले और हमेशा गुस्से में रहते हैं। दैश विद्वान, जिन लोगों के अंदर किसी विद्वान की आत्मा होती है वो लोग समाज से हमेशा कटे कट्टे रहते हैं। उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं होता है। इन लोगों की आंखें बहुत ही गहरी होती है। ये लोग जिज्ञासु, तार्किक और ज्ञानी होते हैं। इन्हें बहुत चीजों का ज्ञान होता है। आप इनकी बौद्धिक क्षमता पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। दैश संत, जिन लोगों की आत्मा संत होती है उन्हें आप देखते ही पहचान जाएंगे। इन लोगों के चेहरे के लक्षण लंबे होते हैं। इन लोगों की आंखों में एक अलग तरह की चमक होती है जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। इन लोगों के गाल ही इनके व्यक्तित्व का मुख्य आकर्षण होता है। जो भी इनसे मिलता है वह खुशी का अनुभव करता है। दैश पुजारी, जिन लोगों की आत्मा पुजारी की होती है उनके चेहरे का आकार बादाम की तरह होता है। इनसे मिलने के बाद आपको आसपास अद्भुत सी ऊर्जा का अनुभव होगा और सब अच्छा अच्छा लगेगा। ये लोग किसी को भी अपने वश में करने में माहिर होते हैं। इन लोगों की बात को टालना आसान होता है। दैश राजा, जिन लोगों के अंदर मजबूत इच्छा शक्ति, जो बड़े बड़े और चेहरा सामान्य से बड़ा होता है उनके अंदर राजा की आत्मा होती है। अगर राजा की आत्मा किसी महिला के अंदर है तो उसके चेहरे पर भी मर्दाना भाव नजर आएंगे। ये हमेशा सामने वाले को आदेश सुनाते रहते हैं। इन्हें खुद के लिए सम्मान की चाहत होती है।